आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। दरअसल करीब 3 दशक से पार्टी सत्ता से बाहर है और सीटों के लिहाजे से सदन में भी प्रभावहीन हो चुका है। इस बार तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के साथ गठबंधन की गुंजाइश भी लगभग खत्म है। इधर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी दिग्गज नेताओं को सियासी जंग में उतारने की तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल मध्य प्रदेश से 5 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सहायक साबित हो सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में प्रभाव भी रखते हैं, इसके साथ ही मतदाताओं को साधने की क्षमता भी है। कांग्रेस में कभी गांधी परिवार के सबसे प्रभावशील सदस्य संजय गांधी के करीबी रहे कमलनाथ का उत्तर प्रदेश से पुराना रिश्ता है। कमलनाथ का जन्म कानपुर में हुआ है और उनके दादा बरेली की तहसील अम्बाला के निवासी बताए जाते हैं। उन्होंने कोलकाता जाने के से पहले अपना मकान गांव को दान कर दिया था और चुनाव प्रचार के दौरान में कमलनाथ के उतारे जाने की पूरी तैयारी भी की थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।